गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। तो आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी क्या मतलब होता है? खूबियां। क्वालिटी मतलब खूबियां, ठीक है। तो चलिए आज हम हमारा वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज क्वालिटी। सो वी विल स्टार्ट विद दी वार्म अप। वार्म अप में हमें पता होता है कि ब्रीफ में हमें दिया हुआ था कि क्या है स्टोरी में। दिस स्टोरी इज अबाउट डेडिकेशन टू वर्क ऑफ हाई क्वालिटी विद द पैशन ऑफ एन आर्टिस्ट। यहां पर ये बताया गया डेडिकेशन। डेडिकेशन हार्डवर्क साथ में करेंगे। डेडिकेशन होता है किसी चीज की तरफ समर्पित। किसी चीज की तरफ क्या होता है? समर्पित होना। क्या होता है? डेडिकेशन। और पैशन होता है हमारा लगन, किसी भी चीज के लिए हमारी लगन। तो ये हमें क्या बताता है? एक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन होता है? कलाकार। उसकी लगन उसके काम की तरफ। एंड द इवेंचुअल लॉस ऑफ आर्ट। इवेंचुअल होता है मतलब जानबूझकर उसकी जो कला है उसका नुकसान होना। एंड क्वालिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म मतलब होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? ग्राहक। कंज्यूमर कौन होते हैं? ग्राहक। तो आजकल के जमाने में आपने देखा होगा कि लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? दूसरों के ग्राहकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हर एक तरीके से वो क्या चाहते हैं कि अपना फायदा देखते हैं, दूसरों का नुकसान देखते हैं। आजकल आपने यही देखा है, हर जगह हम यही देखते हुए आ रहे हैं। कैन अ शू मेकर बी एन आर्टिस्ट। शू मेकर कौन होता है? जूते बनाने वाला, है ना। शू मेकर जूते ठीक करने वाला नहीं, जूते बनाने वाला भी एक तरीके का कलाकार हो सकता है। यस, इफ ही हैज सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एन एनी आर्टिस्ट। हाँ, हो सकता है अगर वो और किसी तरीके से अपना जो गर्व है, मतलब अपना जो काम है, उसे एक अच्छी पहचान दिला पाए, तो ऐसा पॉसिबल है। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसे सेम रिस्पेक्ट मिले। मिस्टर जेसलर, मिस्टर जेसलर या गेसलर, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर लीजिए, गेसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन, जो कि कहाँ सेटल थे? लंडन में रहते थे। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। वो क्या थे? बिल्कुल एकदम परफेक्ट आर्टिस्ट थे। एंड रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू द आर्ट। डिवोट करना मतलब क्या होता है? समर्पित कर देना। कैसे उसने अपनी इस कला को अपना पूरा जीवन दे दिया, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। जो राइटर है वो कहते हैं कि जब मैं जवान था, एक्सट्रीम जवान था, तब से मैं उन्हें जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर बूट्स। उन्होंने मेरे फादर के बूट्स बनाए थे। अब बूट्स क्या होते हैं? लॉन्ग शूज, लंबे जूते, है ना। He lived with his elder brother in his shop. वो अपने भाई के साथ अपनी दुकान में ही रहते थे। Which was in a small by street, a fashionable part of London. जो कि क्या कहा जाता था? लंदन का सबसे फैशनेबल पार्ट था, कि जहां पर सिर्फ फैशन ही फैशन है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। अब डिस्टिंक्शन क्या होता है? अलग थी जो शॉप थी, वो क्या थी? अलग थी। शॉप क्या थी? एकदम अलग थी, है ना, डिस्टिंक्शन थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इन अदर देन द नेम ऑफ जेसलर ब्रदर। होता है ना, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम होते हैं, उनपे अलग अलग तरीके के वो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं ना, उनमें पता नहीं क्या क्या दिया हुआ होता है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन लगा हुआ होता है। बट जो उनकी दुकान थी, उसका नाम बिल्कुल एक सिंपल तरीके से वहां पर लिखा हुआ था, जेसलर ब्रदर। बस इसके अलावा कोई नाम नहीं था। एंड विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। और विंडो में आपने देखा होगा डिस्प्ले में लोग कितने, आपने देखा होगा जो ड्रेसेस हैं या फिर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, ड्रेसेस की हो गई, मिठाइयों की हो गई, वो लोग क्या करते हैं? डिस्प्ले में सारी अपनी अच्छी अच्छी शोपीस लगा देते, ताकि उससे क्या हो सके, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, है ना। इसीलिए तो वो ये सब करते हैं कि ताकि लोग उनकी तरफ क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। बट उनकी जो गेसलर ब्रदर्स थे, उनकी जो दुकान थी, उनमें क्या था, ज्यादा जूते नहीं थे, एक दो, एक ये या दो पेयर ही उन्होंने सजाने के लिए रखे हुए थे, दिखाने के लिए। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड। और वो सिर्फ वो ही जूते बनाते थे जिनका ऑर्डर दिया जाता था या जिनका ऑर्डर उनको मिलने वाला था, ठीक है।
वट ही नेवर में फेल्ड फिल टू फिट, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई भी जूता किसी भी तरीके का किसी को दिया हो और उसमें कोई कमी निकली हो। समझ में आया आपको? टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड, उनके जैसे जूते बनाना या बूट्स बनाना सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम टू बी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। मेरे लिए आज भी वो एक रहस्य का मतलब मेरे लिए आज भी एक वो एक रहस्य की बात है कि वो किस तरीके से ऐसे जूते बनाते थे, वो क्या कारण था कि वो इस तरीके के जूते कैसे बनाते थे, ये आज तक मुझे कभी पता नहीं चला। आई रिमेम्बर वेल माई शाय मार्क्स वन डे, और मुझे हमेशा आता था कि मैं बहुत ही ज्यादा शाय था। शाय का मतलब होता है शर्मीला, मैं बहुत ही ज्यादा क्या था, शर्मीला था। वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, और जब मैं वो मुझसे अब जूते पहनने के लिए क्या करना पड़ता है, पैर आगे देना पड़ता है, तो जो राइटर थे उन्हें बहुत मतलब शर्म आती थी ये कहते हुए कि अपना पैर आगे बढ़ाते हुए, कि उन्हें अजीब सा बहुत अजीब सा लगता था कि कहीं पता नहीं क्या किसी तरीके का कोई मजाक ना उड़ाए, है ना। इज नॉट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर एंड हिज आंसर, तो मैंने पूछा ये आपको बिल्कुल भी परेशानदायक नहीं लगता है। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल, और उनके मुंह पे एक सडन सी अचानक से स्माइल आ जाती है। एंड ही सेड आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड आई एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम एन आर्टिस्ट, मैं क्या हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, है ना। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, वहां पर जल्दी जल्दी जाना या बार बार वहां पर जाना फ्रिक्वेंटली बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, मतलब उनके जो जूते थे वो बहुत ही ज्यादा चलते थे, टेरिबली मतलब ऐसे थे कि फटते ही नहीं थे और लॉन्ग लास्टिंग थे। Having something beyond the temporary, some essence of boot stitch into them. और ऐसा लगता था कि वो अपने खुद हाथों से क्या करते हैं, उन बूट्स को क्या करते हैं, सिलते हैं, है ना, क्या करते हैं, उन बूट्स को सिलते हैं उनके अपने हाथों से। One went in not as into most shop but restfully as one enters a church, sitting on the single wooden chair waited. ऐसा जैसे मोस्ट ऑफ द चर्च में जाते, चर्च कैसी जगह, बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह है, बहुत ही ज्यादा धार्मिक जगह है ना, और वहां पर जाके ऐसे लगता है कि हम कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं। तो वहां जो गैसलर ब्रदर्स की जो दुकान थी वहां पर भी जाकर बहुत ही अच्छा फील होता था, और वो वहां पर एक छोटी सी चेयर लेकर बैठे रहते थे और इंतजार करते रहते थे अपने कस्टमर्स को। अ गटरल साउंड, गटरल मतलब अजीब सी, गटरल मतलब अजीब सी, गटरल मीन्स अजीब सी। एंड टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीइंग बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और बीटिंग मतलब होता है नैरो, नैरो मतलब सकड़ी हुई, वुडन स्टेयर मतलब लकड़ी की बनी हुई स्टेयर्स पे। अब जब कोई आता तो कैसी आवाज आती, टिप टप की आवाज आती ना जब हम उतरते हैं। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो वैसे ही खड़े होते वहां पर बिना कोट पहने हुए, अ लिटिल बैंड थोड़े से झुके हुए, अ लेदर एप्रन, एप्रन क्या होता है जो खाना बनाते टाइम पहनते हैं ना, एप्रन जो जिससे ताकि कपड़े गंदे नहीं हो, वो विथ स्लीव टर्न्ड बैक, और जो स्लीव को ऊपर रोल करके टर्न कर रखी थी, ब्लिंकिंग एंड इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो सपना देखकर आए हैं और उन्हें उठा दिया गया है, बूट्स का कोई, जूतों का ही कोई सपना देख रहे थे, उससे उन्हें क्या कर दिया गया है, उठा दिया गया है। चलिए आज हमने इतना ही पढ़ेंगे। सो व्हाट यू विल डू, डू दीज हार्ड वर्ड्स इन योर कॉपी विद द हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग ईच एंड सेंड इट टू मी। थैंक यू।